हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको चार पांच नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर रेडी कर ली है और चोली के लास्ट में टोटल हमारे पास यहाँ पर 24 यानी कि 24 डबल क्रोशिया हैं, 6 इधर 6 इधर और 12 बैक साइड में। ये हम चार और पांच नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए हम आर्म होल के नीचे आ गए हैं और यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, 1 2 3 3 चैन लेने के बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे और दो बार डबल क्रोशिया करेंगे। फर्स्ट में हमारा ये 3 की चैन का 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा, फिर उससे नेक्स्ट में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में 2, 1 में 1 बार और 1 में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से मैं ये रो बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है और लास्ट में हमारे 2 डबल क्रोशिया आए हैं और फर्स्ट में हमारा ये 3 की चैन का 1 डबल क्रोशिया आया था। तो इसकी हम देखिए थर्ड चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। अब 1 2 3 3 चैन लेने के बाद 1 डबल क्रोशिया और यहीं पर हम इंक्रीज़ करेंगे। अब 1 के ऊपर हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हो गए और जहाँ पर हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे तो इसके फर्स्ट वाले को इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से आगे की तरफ से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। इससे नेक्स्ट जो दूसरा डबल क्रोशिया है, एक जगह पर हमने 2 बनाए थे तो दोनों को हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे और देखिए बीच में 1 डबल क्रोशिया आ गया, उससे नेक्स्ट में 2 हैं तो 1 के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर हमारा 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ होगा। 1 बनाया और इसी के ऊपर 1 और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया आ गए तो फर्स्ट वाले को फ्रंट पोस्ट किया और दूसरे को भी फ्रंट पोस्ट करेंगे। इस तरह से फिर से हमारा 1 डबल क्रोशिया आ गया तो 1 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बनाया और फिर से दूसरा डबल क्रोशिया सेम प्लेस पर, फिर 2 डबल क्रोशिया फर्स्ट वाले को इस तरह से आगे की तरफ से उठाएंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर नेक्स्ट को भी इसी तरह से आगे की तरफ से क्रोशिया हुक डालेंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और 2 लास्ट में जो हमारे 2 डबल क्रोशिया थे उनको हमने फ्रंट पोस्ट बना दिया है। अब देखिए, यहाँ से थर्ड चैन में जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया है हमारे तो फर्स्ट के ऊपर हमारा ये 3 की चैन का आएगा और नेक्स्ट के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो 2 के ऊपर हमारे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 डबल क्रोशिया हर राउंड में हमें इंक्रीज़ करते हुए जाना है। अब देखिए, बीच में 2 फ्रंट पोस्ट हैं तो फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे हर राउंड में। इस तरह से सेकंड को भी इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना देंगे। और फिर 2 डबल क्रोशिया आ गए तो फर्स्ट वाले के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो सेकंड वाला है उसके ऊपर 2। हर राउंड में हम जो लास्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर इंक्रीज़ करना है, उसके ऊपर 2 बनाने हैं और इसी तरह से हमारा ये घेरा बढ़ता हुआ जाएगा। जितने भी बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा आप इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करना है। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही करना है और बीच में हमारा हर राउंड में 1 डबल क्रोशिया एक एक कली में इंक्रीज होता जाएगा। इस तरह से देखिए, सेकंड के ऊपर 2 बनेंगे और नेक्स्ट राउंड अगर हम लगाएंगे तो उसके ऊपर हमारे 3 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, इस लास्ट के ऊपर हमारा 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज होगा। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में जाकर हम थर्ड चैन में इसको जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब देखिए, 1 चैन लेंगे, 1 चैन लेने के बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया, क्योंकि हम अब फ्रंट पोस्ट नहीं बनाएंगे, बीच में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, उसके बाद हम यहाँ पर एक सिंगल राउंड सिंगल डबल क्रोशिया का राउंड कम्प्लीट करेंगे। हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे।
जो फ्रंट पोस्ट वाला है उसके ऊपर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और सिंगल क्रोशिए के साथ ही इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से, हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया। इस राउंड को मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे का डिज़ाइन बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं, और यहाँ जहाँ हमने फर्स्ट चैन बनाई थी एक चैन, वहाँ पर जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। नेक्स्ट हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। यहाँ से देखिए मैं लाइट पर्पल कलर ऐड करूँगी, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह से देखिए धागे को ज्वाइंट करेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया हो गए, एक हमारा ये थ्री की चैन का हो गया। दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो चैन लेंगे और फिर से यहीं पर दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारी एक चार की कली बनेगी। दो डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, और फिर से सेम प्लेस पर दो बार और डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर दो चैन लेंगे। दो चैन लेने के बाद नीचे से देखिए एक दो तीन चार, चार चैन हम स्किप करेंगे, पांचवी चैन में जाकर फिर से हम इसी तरह से कली बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दो डबल क्रोशिया, फिर एक दो, दो चैन ली, फिर से यहीं पर दो बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया और फिर से यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक दो, दो चैन ली, और नीचे से एक दो तीन चार, चार चैन स्किप की, पांचवी चैन में जाकर हम फिर से कली बनाएंगे। हर पांचवी चैन में हम कली बनाते हुए इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। दो डबल क्रोशिया बनाया, दो चैन ली, और फिर से दो बार इसी के अंदर और डबल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया, फिर से बनाया दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक दो, दो चैन ली, एक दो तीन चार, चार चैन स्किप की, पांचवी चैन में जाकर फिर से इसी तरह से कली बना दी। इसी तरह से बनाते हुए रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया बीच में बचे हैं, तो एक दो कम ज़्यादा हो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए दो चैन हमने ले ली हैं, और यहाँ से थर्ड चैन में जाएंगे हम और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, और एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर जहाँ पर हमने दो चैन बनाई हैं वहाँ पर करेंगे, नहीं सॉरी, देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच की। अब देखिए सेकंड वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन का हमारा ये नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया, फर्स्ट को स्किप कर दिया और सेकंड के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, दो के ऊपर एक, और अब कली के बीच में उसी तरह से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया सेंटर के अंदर, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक दो, दो चैन लेंगे और फिर से दो बार यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया और फिर से यहीं पर एक और बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया। और देखिए यहाँ से जो इधर वाली साइड से फर्स्ट डबल क्रोशिया है तो उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना देंगे, और लास्ट को हम पहले और लास्ट को स्किप करेंगे, इनके ऊपर नहीं बनाएंगे, फिर दो चैन लेंगे और देखिए नेक्स्ट फर्स्ट को स्किप करेंगे और सेकेंड के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया। अब कली के बीच में सेम उसी तरह से बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया, दो चैन, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर से दो बार और डबल क्रोशिया, एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट बनाया दूसरा डबल क्रोशिया, फिर इधर से फर्स्ट के ऊपर बनाएंगे और लास्ट को स्किप करेंगे, तो यहाँ पर देखिए तीन डबल क्रोशिया, दो चैन, तीन डबल क्रोशिया आएंगे इस तरह से। हर राउंड में हमारी ये इस तरह से कली बढ़ती जाएंगी, फर्स्ट वाले को हम स्किप करते जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट को, औरों के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में हम दो के ऊपर यहाँ पर देखिए तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगे, तो फर्स्ट को स्किप करेंगे, दो के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया और सेंटर में दो डबल क्रोशिया, दो चैन, फिर दो चैन लेंगे, देखिए एक दो,
और फर्स्ट को स्किप करेंगे, सेकंड के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब सेंटर में बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर से दो बार और डबल क्रोशिया, एक फिर दूसरा, और फिर इधर से हम फर्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट को स्किप करेंगे। और इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और लास्ट में आ गए हैं हम। थर्ड चैन में जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, और एक स्लिप स्टिच हम दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर करेंगे। तो फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, यहाँ से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तीन चैन, सेकंड के ऊपर हमारा ये थ्री चैन का होगा और नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया। फर्स्ट वाले को स्किप कर दिया, तो तीन के ऊपर हमारे ये दो डबल क्रोशिया आएंगे। अब सेंटर के अंदर आ गए, जहाँ दो चैन थी वहाँ पर फिर से हम इसी तरह से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन लेंगे और फिर से यहीं पर दो बार और डबल क्रोशिया लेंगे। चार की कली बनानी है जैसे हमें नीचे बनाई थी इस तरह से। और फिर देखिए फर्स्ट वाला, इधर से फर्स्ट डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और सेकंड के ऊपर एक डबल क्रोशिया। लास्ट के को स्किप करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को हम स्किप करेंगे हर राउंड में इसी तरह से। अब फिर से दो चैन लेंगे और देखिए फर्स्ट को स्किप करेंगे, सेकंड के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, उससे नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया और सेंटर में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, फिर दो चैन, फिर से दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे। और इधर वाली साइड भी देखिए, एक डबल क्रोशिया फर्स्ट के ऊपर बनाया और सेकंड के ऊपर एक डबल क्रोशिया। लास्ट को स्किप करेंगे, लास्ट के ऊपर नहीं बनाएंगे, फर्स्ट और लास्ट को ऐसे ही स्किप करेंगे हर राउंड में। फिर दो चैन लेंगे, फिर से सेकंड वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरी रो को हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जो लास्ट दो चैन हमने ले ली है, और यहाँ से देखिए थर्ड चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए जो फर्स्ट और सेकंड डबल क्रोशिया है उनके सेंटर के अंदर हम एक बार हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब एक दो, एक सिंगल क्रोशिया, तो तीन चैन हमारी एक सिंगल क्रोशिया, दो चैन एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। तीन चैन और लेंगे, देखिए यहाँ से हम सेकंड चैन के अंदर जाएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे, यहाँ पर एक पर्ल स्टिच बन जाएगा। अब इससे नेक्स्ट में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक दो तीन, तीन चैन ली और दोनों डबल क्रोशिया के सेंटर से निकाल देंगे इस तरह से, और सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास ये पर्ल स्टिच बनते जाएंगे ऊपर की तरफ। अब नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, डबल क्रोशिया, एक दो तीन, तीन चैन ली, दोनों के सेंटर से निकाल दिया और सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब देखिए बनाते हुए हम सेंटर में आ गए हैं, जहाँ पर हमने दो चैन बनाई है, दो चैन बनाई है वहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चैन लेंगे इस तरह से, दोनों के बीच में से निकाल देंगे, पर्ल स्टिच बना देंगे उसके ऊपर। सेंटर से इनके बीच में से निकालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देना है। अब देखिए सेकंड, यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दो बार इस तरह से लूप लेंगे, दो दो स्टिच निकालेंगे, दो स्टिच निकाले, फिर दो निकालेंगे और फिर से दो निकालेंगे। तीन बारी में हमारा ये डबल क्रोशिया बना है, ये थोड़ा लंबा बनेगा। और फिर से तीन चैन लेंगे और इन दोनों के बीच में से निकाल देंगे। अब देखिए सेंटर में हमने दो चैन के अंदर पहले डबल क्रोशिया बनाया, फिर तीन चैन से पर्ल बनाया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, तीन चैन से पर्ल, फिर दोबारा से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी के अंदर, फिर तीन चैन से पर्ल बनाएंगे।
और ऐसे निकाल देंगे। इसी तरह यहाँ पर बनाएंगे, नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन से पर्ल बना दिया। फिर उससे नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे, फिर तीन चैन लेंगे ऊपर और दोनों के बीच में से निकाल कर पर्ल बना देंगे। अब देखिए लास्ट रह गया, तो दोनों के बीच में से ऐसे निकाल लेंगे, एक दो तीन, और पर्ल स्टिच बना दिया। देखिए इस तरह से ये कुछ बन गया है। अब देखिए कोई हम यहाँ पर इस तरह से लूप नहीं लेंगे, सिंगल क्रोशिया ऐसे तीनों चैनों के बीच में से निकालेंगे और थोड़ा सा लंबा करेंगे इसको, इस तरह से ढीले हाथ से ऐसे लिया, पहले एक स्टिच निकाल देंगे और फिर दो है तो दो को निकाल देंगे। इस तरह से बन गया, देखने में कुछ इस तरह से बना। यहाँ पर हमें लास्ट में एक चैन लेनी थी, देखिए इस तरह से हमने ये बना लिया, तो एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद यहाँ पर तीनों चैन को उठाएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया एक स्टिच निकाला, फिर दो निकाल देंगे। इस तरह से बना लेना है, फिर से एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद दो डबल क्रोशिया हैं उनके बीच में से हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर डबल क्रोशिया बनाया, फिर तीन चैन से पर्ल। जैसे हमने इधर बनाया था सेम उसी तरह से फिर से रिपीट करते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। जब यहाँ पर आएंगे एक बार फिर से हम बता देंगे, यहाँ तक मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लास्ट तक इसी तरह से पर्ल स्टिच और एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद तीनों चैनों को इस तरह से उठाएंगे बैक की तरफ से और सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए सिंगल क्रोशिया भी हमें इस थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे सबसे पहले, तो इसको ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे। एक स्टिच नहीं उतारेंगे, एक स्टिच उतारने के बाद दो स्टिच बच गए तो दो को एक साथ उतार देंगे। फिर से सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर इधर से फर्स्ट और सेकंड डबल क्रोशिया के सेंटर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो तीन, तीन चैन से पर्ल। देखिए इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद हमारी ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है। देखिए कितनी प्यारी ये ड्रेस बनकर रेडी हुई है। अब देखिए जो हमने जहाँ से हमने एक में एक और एक में दो डबल क्रोशिया बनाए थे वहीं से हम देखिए एक यहाँ पर रो बनाएंगे। नीचे से हम धागे को अटैच करेंगे, देखिए इस तरह से ऊपर निकालेंगे धागे को। निकालने के बाद नेक्स्ट में निकालेंगे और इस तरह से आगे निकाल लेंगे और इसमें से निकाल देंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाएंगे और नीचे से धागे को पिक करेंगे, इसी धागे को, और देखिए ऐसे धागे को ले लिया और इसमें से निकाल दिया, एक चैन बनती चली जाएगी इस तरह से। फिर नेक्स्ट के स्टिच के ऊपर जाएंगे, नीचे से धागे को लिया, देखिए और इसमें से निकाल देना है। फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर जाएंगे और इसमें से निकाल देना है। अब नेक्स्ट स्टिच के ऊपर जाएंगे, धागे को पिक किया नीचे से और इसमें से निकाल दिया, थोड़ा सा ढीला रखेंगे इसको। फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर काम करेंगे और नीचे से धागे को पिक किया और ऐसे निकाल दिया, फिर उससे नेक्स्ट के ऊपर और यहाँ से ऐसे निकाल देंगे। देखिए इस तरह से करते हुए हम एक चैन बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है। देखो चारों तरफ मैंने इस तरह से ये चैन बनाकर तैयार कर दी है।
और देखिए कितनी प्यारी हमारी ड्रेस बनकर तैयार हुई है। ये मैंने 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। छोटे बड़े साइज में बहुत ही आसानी से आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।